तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के अपडेट ही नहीं है, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल आपको फील करा सकते हैं। चलो एक एक करके सारे डिटेल्स को देख लेते हैं, कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एलटी माइंटी के बारे में। तो बेसिकली एलटी माइंटी के बारे में बात करूँ तो अराउंड इसका जो मार्केट कैप है वो करीबन 1,67,000 करोड़ के आसपास है, और इस कंपनी का पी रेशियो कितना है, 36 के आसपास है। और कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और कंपनी का जो एनुअली इनकम है वो करीबन 4,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल सारे चीज़ आपको इस कंपनी के ऊपर ठीक ठाक लगेगा। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन क्यों हुआ था? सबसे पहले मैं अगर चार्ट को दिखा दूँ तो देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ से बिग करेक्शन हुआ, मतलब बिग फॉल देखने को मिला, वो भी कोई छोटा मोटा फॉल नहीं है। ओवरऑल मैं टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो 30% के आसपास, और कोई भी लार्ज कैप टाइप कंपनी अगर 30% करेक्शन हो तो वहाँ से वो बाउंस बैक करने का कोशिश जरूर करेंगे। तो फाइनली देखिए ग्राउंड लेवल से फिर से बाउंस बैक करके ऑलरेडी 30% के आसपास जर्नी कर चुके हैं। तो अपॉर्चुनिटी आपको वही जगह पे ढूंढना होगा जहाँ पे ऑलरेडी कंपनी के अच्छे कंपनी के शेयर करेक्शन में हो चुके हैं। जैसे देखिए बीच में कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था, कप के बाद हैंडल पैटर्न बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना, दो बार शोल्डर बने, फाइनली बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, और उसके बाद नीचे भी आए, रिटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक करने का कोशिश करें। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री मिला है, बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का भी चांसेस है, जो टारगेट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी के बूस्ट कराने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है अभी टाइम ऑफ पीरियड है यही कि कंपनी अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया, सेल्स का डेटा पॉजिटिव है, 8,700 से लेकर 9,100 करोड़ तक बने। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ से 1135 करोड़ बने, मतलब जो एस्टीमेट था उस एस्टीमेट के हिसाब से ईयर ऑफ ईयर में एस्टीमेट को मिस कर चुके हैं। मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर का एस्टीमेट देखा जाए तो कंपनी का एस्टीमेट पॉजिटिवली यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो अच्छा खासा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट किया है जिसके चलते अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। तो टाइम लगेगा, आईटी सेक्टर में इतना जल्द से जल्द रिकवरी नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिनों से जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था तब से लेकर ओवरऑल देखा जाए तो आईटी सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा फॉल देखने को मिला। उसके बाद हमास के साथ इसराइल का युद्ध स्टार्ट हो गया, ये भी एक कारण था। तो इस तरीके से एक एक करके युद्ध स्टार्ट हो रहा है जिसके चलते है आईटी सेक्टर के ऊपर लगातार एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो इसको सारे प्रेशराइज को रिकवरी करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर रिकवरी हुआ तो फिर से कंपनी एक बिग जर्नी दिखा सकते हैं। तो मेरा पहले से ही एक डिसीजन है जो इस पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तो एक जरूर एंट्री में यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो आपके क्या राय है, आप किस तरीके से ट्रेड इस कंपनी के ऊपर कर चुके हैं, कहाँ पे आपका एंट्री है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर गुड पॉइंट यही है कि कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। तो कंपनी पिछली बार का जो सेल्स किया था उसी तरीके से सेम टू सेम सेल्स इस बार भी देखने को मिला, मतलब सेल्स के डेटा में कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। मगर एक अच्छी बात यह है कि कंपनी एक्सपेंस को कई हद तक कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ चुके हैं, 77% से बढ़ के 82% हो चुके हैं, और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 311 करोड़ से 313 करोड़ बने, मतलब अर्निंग पर शेयर जो 0.49 था वो 0.49 अभी भी देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर देखने को मिला, और ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट भी छोटा मोटा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अगर प्रीवियस डेटा को अगर देखूँ तो पिछले सालों के डेटा देखूँ तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी के जो एस्टिमेट है उसको बीट नहीं कर पाए। तो एस्टिमेट को बीट ना करने के कारण शेयर में एक फॉल देखने को मिला। अगर मैं चार्ट को देखूँ तो रिजल्ट आने के बाद ही देखिए कुछ दिनों से लगातार वो गिरते चले जा रहे हैं। सर यही कारण है कि रिजल्ट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो उसके लिए इन्वेस्टर कुछ क्वांटिटीज को यहाँ पे सेल अप किया। अभी देखिए क्या सेल होने के बाद कंपनी बिग फॉल दिखाएगा। देखिए अगर नीचे आए तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी जरूर दिखेगा, वो अपॉर्चुनिटी मैं पहले ही लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि देखिए आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए मैं पहले डेटा को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे ट्रेड पहले मिला था इसलिए मैंने मार्किंग करके रखा,
तो मैं पहले डेटा को, सारे के सारे डेटा को डिलीट कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है, अभी देखिए इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और भी आपको क्लियर चार्ट दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी पैटर्न्स तो बना नहीं, चलो छोड़ देते हैं। अभी देखिए जो पैटर्न्स बना है, यहाँ पे एक रेंज बना है, वो रेंज किस तरीके से बना, 26% के आसपास। तो टोटल जो रेंज बना, इस रेंज के हिसाब से टोटल एक बाइंग रेंज बना। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए जब भी आपको कुछ इस तरीके से बाइंग का रेंज मिले, जब भी कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज मिले, तो लोअर साइड से लेकर अपर साइड तक एक मार्किंग कर लेना। तो इसको मार्किंग करने का मतलब क्या है, आपको एक रेंज मिलेगा, वो रेंज कितना है, अराउंड 20% के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे रेंज कितना मिला, 26% के ऊपर। इस रेंज के ऊपर मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को चेक करना, उसके बाद अगर सब कुछ अगर ठीक ठाक लगे तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ। तो देखिए नीचे आया, अगर नीचे आएगा तो इस लेवल को टच करेगा, तब बनेगा मेरा एंट्री, और इस जो इसका टॉप लेवल है उसी लेवल में अगर पहुंचेगा तब बनेगा मेरा टारगेट। मैं स्ट्रेटेजीज को बहुत बार स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम किया। अगर मैं, आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि स्ट्रेटेजीज को मैं कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। हाँ डिपेंड करता है वो स्ट्रेटेजीज कहाँ पे बना है। अगर लाइफ टाइम हाई के ऊपर बना है, उसके बाद करेक्शन हुआ, तो एक पॉजिटिविटी एंट्री तो बनता है, मगर मैं क्वांटिटी कम क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ। अगर बहुत ऊपर जाकर एक बार रिटेस्ट करने के बाद ही स्ट्रेटेजीज को फिलअप करता है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ, इसीलिए क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इस लेवल में जो वॉल्यूम, हाई लेवल वॉल्यूम करके वो ऊपर गया था, उसी लेवल को टच करने के बाद फिर से वो हाई लेवल के ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो बाकी जियो फाइनेंस के ऊपर आपके कौन से लेवल में एंट्री है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है बहुत लोअर साइड में है, एकदम नीचे लेवल में, कुछ इस तरीके से लेवल में, 215 से 16 रुपीज़, इस तरीके से लेवल से मेरा एंट्री है। और मैं जरूर इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो एंट्री है उस लेवल से मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो 80% का रिटर्न मिला था, अभी करेक्शन होकर 50% रिटर्न मिला है। तो उसको मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिलता है उस ट्रेड को लेकर मैं ऑब्वियसली एग्जिट हो जाता हूँ, मगर मेरा होल्डिंग पीरियड को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो बाकी जियो फाइनेंस के ऊपर जो मेरा व्यू है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। आपके क्या व्यू है मुझे कमेंट्स करके जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ कब इस हाई लेवल को फिर से ब्रेकआउट करेगा, और जो मेरा 1140 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट है उस टारगेट को अचीव करेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुके हैं, बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि जब से एंट्री हुआ, एंट्री कब हुआ, एंट्री लेवल हो चुके थे जुलाई, ध्यान दीजिएगा, जुलाई 2023 में, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं। तो लोगों के मन में यही डाउट होगा, सर 1 साल हुआ तो आपको क्या मिला, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 साल में मेरा एंट्री लेवल कुछ 600 रुपीज़ के आसपास है, तो चलो मैं यहाँ से एक पकड़ लेता हूँ। तो ओवरऑल कंपनी ने करंट लेवल तक अगर देखूँ तो 1 साल हुआ है 380 डेज, मतलब 1 साल से कुछ ही दिन हुआ है, 1 साल, चलो 1 साल 1 माह आप बोल सकते हैं। तो 1 साल 1 माह में कितना रिटर्न मुझे दे चुके हैं, 68%। और मुझे लगता है अगर टॉप लेवल तक मेरा जो टारगेट है वहाँ तक जाएगा तो 88% का टारगेट मिलने का चांसेस है। और मुझे लगता है 1 साल हो चुका है, अभी और 2-3 मंथ शायद लग सकता है। तो मार्केट है, कुछ भी हो सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, मगर जिस तरीके से ऑटो सेक्टर में बूस्ट देखने को मिला है, और आप सभी जानते हैं अभी फेस्टिवल का माहौल भी कुछ कुछ मंथ के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर का सेल्स बढ़ जाते हैं। तो सेल्स बढ़ेगा मतलब कंपनी का अर्निंग भी बढ़ेंगे, तो शेयर प्राइस में भी एक जंप देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, मगर परेशान में नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट आपको हमेशा, आप जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से टारगेट आपको नहीं देगा। मार्केट मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए, और उस हिसाब से ही वो चलते हैं, आपको सिर्फ उसके ऊपर भरोसा और पेशेंस रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप टेंशन में पड़ गया कि इतने दिनों से होल्डिंग कर रहे हैं, ऊपर गया चलो मैं माल बेच दूँ, शायद वो ऊपर ना जा पाए और भी नीचे आ गया, तो देखिए मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है तो आपके टारगेट तक आपको इंतजार करना चाहिए, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप आपके हिसाब से किसी भी जगह पे, आप जहाँ पे आपको मन चाहे वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। मगर दिक्कत यही होगा जब आपको लॉसेस होगा, वो तब आप 30% तक लॉसेस झेल लेंगे, और आपका प्रॉफिट आप कितना निकल के लेकर बाहर हो रहा है, 10% 15%। तो इसको भी तो देखना पड़ेगा ना, लॉस बड़े ले रहे हैं तो प्रॉफिट भी आपको तो बड़ा लेना चाहिए ना। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली है, तो प्लीज़ एक बार आपके ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है, और टाटा मोटर्स आज का नहीं है,
बहुत पुराना कंपनी है टाटा ग्रुप का, और एक अच्छा खासा मार्केट कैप लेकर चला है। मुझे इस कंपनी का सबसे जो खासियत पॉइंट लगा इसका कर्जा, क्योंकि एक टाइम टाटा मोटर्स और उसके साथ साथ अशोक लेलैंड, ये दोनों कंपनी का कर्जा सेम टू सेम लेवल में था। आज अशोक लेलैंड का कर्जा 4% के ऊपर डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिला और टाटा मोटर्स का 1% के ऊपर। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर हो गया, आप खुद ही एक बार देख लीजिए। ये सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें, उसका नाम है पीबीबी इंफा लिमिटेड। तो बेसिकली पीबीबी इंफा लिमिटेड के ऊपर 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द आपको मिलेगा। अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया, तो एक्चुअली फाइनली डेट आ चुके हैं, माफी चाहता हूँ 1:1 का नहीं, यानी फाइनली जो डेट आ चुके हैं 21 जून में, 21 जून में कंपनी क्या किया था, बोनस दिया था। अभी स्प्लिट का अनाउंसमेंट आने वाला है 1:1 का, तो एक के बदले एक शेयर कंपनी स्प्लिट नहीं तो बोनस अनाउंसमेंट करने जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ अपडेट्स देखने को मिला है, तो जब अपडेट आएगा फाइनली तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।